the light in my day. You brighten my day. When I see you, I know I'll be okay. You are the one that I feel, and you know that it's real. When I think of you, I know I'd be okay. It's you, my love. Anytime I sleep, I see you, my love. Early in the... देखिए टेस्टी टेस्टी एक कबीराजी मेहमानों के लिए घर वालों के लिए बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और क्रिस्पी बना है इसका टेक्सचर। देखिए तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। चैनल उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल में मैं उपासना फूड ब्लॉगर फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गई एक क्रिस्पी रेसिपी लेके, पर एक अनजान रेसिपी लेके जो आपने कभी ना सुना होगा ना देखा होगा। तो चलिए आज बोल लेते हैं क्या रेसिपी बना रहा है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक कबीराजी। आपने चिकन कबीराजी बहुत खाया होगा इन्विटेशन होम पे, रेस्टोरेंट में, बाहर में, और फिश कबीराजी भी खाया होगा। पर आज मैं बनाने जा रही हूँ पॉकेट फ्रेंडली एक कबीराजी जिसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। तो एक कबीराजी बनाने के लिए हमको तो लगेगा बॉइल्ड एग। इधर हम वाइट पोर्शन और उसके साथ योल्क पोर्शन दोनों यूज़ करेंगे। उसके साथ हमको लगेगा थोड़ा सा बॉइल्ड किया हुआ आलू, और उसके साथ साथ चाहिए ग्रीन चिली का पेस्ट, जिंजर का पेस्ट, ऑनियन का पेस्ट, गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सा कुछ मसाला, और उसके साथ स्पेशलिटी है ए ड्राई रोस्ट मसाला। तो चलिए एक कबीराजी कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। लेकिन इधर मैंने थोड़ा कुछ मसाला भी ले लिया है, जैसे मैंने लिया है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा फूड कलर, उसके साथ मैंने लिया है टेस्ट के लिए थोड़ा सा जलजीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। देखिए एक कबीराजी बनाने के लिए पहले हमें ऐसे ऐसे करके एक को ग्रेट करना होगा। ऐसे भी आप ग्रेट कर सकते हैं और थोड़ा सा चाहे तो आप छोटा वाला जो पोर्शन है इससे भी ग्रेट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके आपको एक को ग्रेट करना है। जैसे मैं ग्रेट कर रही हूँ, देखिए इधर अंडा और का दोनों पोर्शन ही यूज़ होगा। जैसे योल्क पोर्शन भी यूज़ होगा, वाइट पोर्शन भी यूज़ होगा। देख सकते हैं कितना पतला कंसिस्टेंसी हो रहा है। ये बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। चिकन कबीराजी बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, और कभी कभी एक फ़िश कबीराजी बनाने के लिए वेट की फ़िश या बोनलेस फ़िश नहीं मिलता है, बासा फ़िश नहीं मिलता है। तो आप एक कबीराजी घर पर अगर कोई गेस्ट आए ना बोल के अचानक से, तो आराम से उसको ये रेसिपी बना के दीजिए। वो एकदम शॉक्ड हो जाएगा और उसको बहुत अच्छा भी लगेगा। मैं आपको दो एक कबीराजी बना के दिखाऊंगी। एक कबीराजी बनाने के लिए क्या क्या लगेगा वो भी बोलूँगी। तो चलिए ऐसे एक को ग्रेट कर लेते हैं। देखिए इधर मैंने पूरा एक को ग्रेट कर लिया है। अब हमें आलू की स्टफिंग्स तैयार करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं आलू की स्टफिंग्स कैसे तैयार करते हैं। देखिए आलू की स्टफिंग्स बनाने के लिए इधर मैंने थोड़ा सा तेल गरम कर लिया। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल आलू की स्टफिंग्स बनाने के लिए। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दे। देखिए ऑयल गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, जस्ट स्वाद के लिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा कसूरी मेथी। जैसे कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। पूरा कसूरी मेथी मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके साथ साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा कुछ मसाला, जैसे रेड चिली पाउडर, फूड कलर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, सारे मसालों को मैंने एक साथ डाल दिया। डालते ही हमें मसाला को थोड़ा सा ऑयल के अंदर चला लेना है। देखिए मसाला को ऑयल के अंदर चलाते ही बहुत ही अच्छा एक कलर आ गया। अब हमें सेकंड स्टेप करना है। इसके अंदर पहले हमको डालना है थोड़ा सा ग्रीन चिली का पेस्ट। मैंने 2 टीस्पून जैसे ग्रीन चिली का पेस्ट डाला, क्योंकि ये ग्रीन चिली का जो स्वाद है बहुत ही अच्छा है। ग्रीन चिली का पेस्ट डालते ही हमने इसको अच्छे से चला लिया। देखिए कितना लाल अच्छा कलर आ रहा है। उसके साथ साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ
एक टीस्पून जिंजर का पेस्ट, एक टीस्पून। उसके साथ साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक बड़ा टीस्पून गार्लिक का पेस्ट, और उसके साथ साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 3 to 4 टेबलस्पून ऑनियन का पेस्ट। सारे ऑनियन का पेस्ट डाल दिया, अब हमें इसको अच्छे से चला लेना है, जैसे मसाला ना जले। मसाला को अच्छे से चला लेना है। थोड़ा सा चलाने के बाद ही हमें इसके अंदर ऐड करना है ये जलजीरा का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा है, खट्टा खट्टा स्वाद आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1 रुपये का है ये जलजीरा पाउडर। और उसके साथ साथ इसके अंदर डालना है थोड़ा सा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गरम मसाला डालना है। इसको फिर से चला लेते हैं, जैसे मसाला ना जले, बहुत ही अच्छा है, कंसिस्टेंसी आए। देखिए मसाला को मैंने अच्छे से चला लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ड्राई रोस्ट भाजा मसाला। देखिए इसके अंदर मैं ऐसे 1 टीस्पून ड्राई रोस्ट मसाला डाला, जिसके अंदर है साबुत मेथी, साबुत सौंफ, साबुत जीरा, साबुत धनिया, साबुत कलौंजी, साबुत पाँचफोड़न, साबुत सूखा मिर्च, और उसके साथ साथ है साबुत तेज पत्ता या बे लीफ, और साबुत पाँचफोड़न भी है। देखिए मसाला अच्छे से पक गया। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ शक्कर। शक्कर डालते ही हमें इसको फिर से चला लेना है, और उसके बाद इसके अंदर डालना है हमें थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट हमें एक बार ही डालना है, बार बार नहीं डालना है, स्वाद के अनुसार सॉल्ट डालिएगा। सॉल्ट को डालते इसको फिर से फ्राई करना है। देखिए फ्राई होकर मसाला जैसे सूख गया, अपने फ्लेम को एकदम कम कर दूंगी। उसके बाद इसके अंदर ऐड करूंगी मैश किया हुआ पोटैटो। देखिए मैंने एक एक करके आलू को मैश करके डाल रही हूँ। एक का जो क्वांटिटी है, आलू का क्वांटिटी उसका 1/3 होगा। देखिए इधर मैंने पूरा आलू ही डाल दिया, जितना लगेगा उतना ही लूँगा। उसके बाद बाकी जो आलू का स्टफिंग से उसको आप आराम से स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि आलू का स्टफिंग कभी ख़राब होते नहीं। इससे आप और कोई पकौड़ा या कुछ भी घर वालों के लिए बना सकते हैं। आलू को ऐसे ही इसके अंदर कोट करना होगा, जैसे आलू मसाला के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। तो चलिए इसको ऐसे फ्राई कर लेते हैं मसाला के साथ। देखिए हमारा आलू की स्टफिंग अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 मुट्ठी भर की ब्रेड क्रम्स। ये ब्रेड क्रम्स डालते ही आलू का स्टफिंग बहुत ही हार्ड हो जाएगा, और आलू की स्टफिंग्स में बाइंडिंग भी बहुत अच्छा होगा। ये देना ज़रूरी है कटलेट या कोबीराजी या चॉप कुछ भी बनाने के लिए। देखिए आप ऐसे देखिए जो फोल्ड हो रहा है, इसका मतलब ये ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, उसके बाद ऐसे इसको 1-2 मिनट तक लगातार चला लेते हैं, जैसे आलू का जो घुटना है वो एकदम मैश हो जाए मसाला के साथ। देखिए हमारा मसाला एकदम बन के तैयार हो गया। तो चलिए इसको ठंडा कर लेते हैं। देखिए इधर मैंने सारे इंतज़ाम कर लिया है। इधर मैंने जो आलू की स्टफिंग्स बनाया था उसको ले लिया, ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है। इधर मैंने ले लिया है ग्रेट किया हुआ अंडा, और इधर कटलेट बनाने के लिए, एक कोबीराजी कटलेट बनाने के लिए ले लिया है थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब, और उसके साथ मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा, और उसके साथ मैंने ले लिया है 2 बीटन एग। पहले मैं कैसे कटलेट को तैयार करते हैं उसको दिखाऊँगी। देखिए इधर हम 4 से 5 एग लिया है, तो हमको थोड़ा सा आलू डाल के इसको अच्छे से मैश करना होगा, और देखना होगा कि कंसिस्टेंसी कैसा आ रहा है। नहीं और थोड़ा सा पोटैटो लगेगा, पोटैटो का स्टफिंग्स, जैसे पोटैटो इसके अंदर बाइंडिंग तैयार करता है। इसको अच्छे से घोट लेना है, देखिए बहुत ही अच्छे से इसको घोट लेना है, जैसे ये एकदम हाथ में ऐसे लग जाए। थोड़ा सा इससे हम ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रहा है, थोड़ा सा, ज़्यादा थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रहा है, जैसे अच्छे से बाइंडिंग आए, क्योंकि बाइंडिंग अच्छा होना बहुत ही ज़रूरत है। इसका ब्रेड क्रम्स का जो बाहर का कोटिंग है वो हम ज़्यादा नहीं करेंगे,
क्योंकि ये कोबीरा जी बनेगा, इसीलिए बाहर कोबीरा जी बनाने के लिए बाहर में जो अंडा का जो फिलिंग्स होता है वही ज़्यादा बनाना पड़ेगा इसीलिए। और थोड़ा सा ब्रेडक्रम्स ले लेते हैं, बस काफ़ी है। इसको हम एक साथ ऐसे स्मैश कर लिया और अच्छे से तैयार भी कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, हमें एक का बैटर को तैयार करना होगा। कैसे, चलिए देख लेते हैं। देखिए, एक का बैटर अच्छे से तैयार करने के लिए, जैसे ये कवरेज से कवरेज भी बनेगा और कटलेट तैयार भी होगा, इसलिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ छोटा एक टीस्पून सॉल्ट। उसके साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन चिली का पेस्ट, जिससे इसके अंदर बहुत ही अच्छा एक स्पाइसी जैसा स्वाद आए। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा, जैसे एक का कवरिंग्स क्रिस्पी बने, ठीक है। थोड़ा सा मैदा डाल दिया, अब हमें अच्छे से इसको बीट करना है, अच्छे से इसको बीट करना है, बहुत ही अच्छे से, जैसे एक भी लम्स ना रहे। देखिए, वाह, बहुत ही अच्छा एक कंसिस्टेंसी आया है और ये एकदम बनके तैयार है। तो चलिए अब कटलेट का प्रिपरेशन शुरू करते हैं। देखिए, कटलेट का प्रिपरेशन शुरू करने के लिए पहले हम इधर से इतना सा स्टफिंग्स ले लिया। अब हमें स्टफिंग्स को अच्छे से प्रेस करना होगा, प्रेस करके इसको अच्छा वाला एक शेप देना होगा। काफ़ी है, ज़्यादा नहीं चाहिए। अब इसको जो भी मन चाहे इसको शेप दे सकते हैं। इसका बाइंडिंग बहुत ही अच्छा बना है, ज़्यादा कुछ नहीं ज़रूरत है, बहुत ही टेस्टी बना है। देखिए, ये वाला शेप दे दिया मैंने। अब पहले मैं क्या करूँगी, इसको मैं इसके अंदर डालूँगी। इसको अंदर कैसे डालना है, देखिए, पहले इसको ऐसे करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ट्विस्ट करना है। देखिए, एकदम कटलेट बनके तैयार हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा हाथ में ले लेना है और उसके बाद अच्छा अच्छा करके इसको प्रेस करके इसको एक शेप देना है। एकदम एक्यूरेट शेप देने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो मन चाहे वो वाला शेप दे सकते हैं। देखिए, हमारा कटलेट बन गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको फिर से अंडा की बैटर में डुबोंगी, एक कोट कर लूँगी, उसके बाद फिर से इसको यह वाला ब्रेड क्रम्स पे डाल दूँगी। और क्या करूँगी, ओनली ट्विस्ट, ऐसे ट्विस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ईजी है। मेरा पापा जब बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं। इसको फिर से एक बार चला ले, देखिए ये एकदम बनके तैयार है। और इसको क्या करना है, फिर से इसको उठा लेना है और उसके बाद ऐसे इसको शेप देना है। अगर ज़रूरत पड़े इसको अंदर थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और लगा ले, अगर ब्रेड क्रम्स कोई इसके अंदर गिरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, इसके अंदर फिर से इसको डाल दिया, इसको ऐसे कोट किया, इसको ऐसे कोट किया। देखिए, बन गया कटलेट हमारा। अब इससे एक कवरेज, एक कवरिंग, एक ट्विस्ट, कोबीराजी कटलेट बनेगा। देखिए, हमारा कटलेट एकदम बन के तैयार है। तो चलिए दूसरा एक बना लेते हैं। हम दो ही बनाएंगे, जैसे मेरे पास थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स कम है। देखिए, मैंने इतना सा ले लिया स्टफिंग्स और उससे फिर से ऐसे करेंगे, प्रेस करेंगे, मोटा वाला जो अंडा का छिलका है उसको निकाल देते हैं। इसको ऐसे ऐसे प्रेस करना है, ऐसे ऐसे इसको शेप देना है। अगर ज़रूरत पड़े इधर थोड़ा सा स्टफिंग्स लगा ले, इसको निकाल दे मोटा वाला जो अंडा का छिलका है। देखिए, एकदम प्रेस करके मैंने इसको बना लिया। इसको दोनों साइड सेम होना चाहिए, ऊपर वाला पोर्शन भी ऐसा होना चाहिए। अब इसको ऐसे रख लिया, उसके बाद ऐसे कर लिया। देखिए, अच्छे से बन गया। अब हमें फिर से इसको निचोड़ लेना है और इसको फिर से एक शेप देना है। जितना अच्छा इसका कोटिंग होगा उतना अच्छा है खाने में, क्रिस्पी होगा। देखिए, थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स मैंने और लगा लिया, जैसे ये स्टफिंग्स अलग ना हुए। देखिए, अब इसको अंडा का बैटर में मैं डुबोंगी।
जैसे अंडा का बैटर में थोड़ा सा मैंने मैदा भी डाला। अंडा को ऐसे निचोड़ लेना है और फिर से इसको इसके अंदर डालना है और इसको ऐसे ही बनाना है। देखिए ऐसे ही बना रहे हैं, इसको आप पलट देना है, इसको बनाना है, उसके बाद इसको फिर से डालना है। अगर ज़रूरत पड़े तो इसको और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स ही बचा है तो चलिए लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप ये घर वालों को सिर्फ बना के खिलाइएगा, देखिएगा कि वो क्या बोले, इतना अच्छा वो आपको सुनाम करेगा, जिसको बंगाली में बोलते हैं कि आपको कुछ तोहफा ना दे दे। देखिए बहुत ही अच्छा है, घर वालों खा के एकदम तौबा तौबा करेगा। देखिए ये एकदम बन के तैयार हो गया, तो चलिए अब फ्राइंग कर लेते हैं। देखिए इधर मैंने ऑयल को गरम कर लिया, ये ऑयल काला दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ देर पहले ही मैंने एक डेविल बनाया है और इसका उसका ही जो ब्रेड क्रम्स गिरा है और कुछ नहीं। मैं हमेशा जो फ्राइंग का काम करती हूँ, जैसे डेविल बनाना, आलू चॉप बनाना, वो एक ही हिस्से का ऑयल में करती हूँ, जैसे उस हिस्से का ऑयल फ्राइंग होने में यूज़ होए, पर जो बाकी का जो फ्रेश कुकिंग करती हूँ वो अलग सा फ्रेश ऑयल में करती हूँ। तो देखिए ये गर्म हो गया है, बहुत ही गर्म हो गया है, अब हमें इसके अंदर ये कटलेट को फ्राई करना है। देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया, अब हमें अच्छे से इसके अंदर कटलेट को फ्राई कर लेना है। देखिए मैंने इधर दोनों एक कोविराजी का कटलेट डाल दिया, कटलेट में ए वाला पैन में ही तैयार करूँगी, पर जो कवरिंग से वो दूसरा वाला फ्लैट पैन पे तैयार करूँगी। पहले कटलेट को फ्राई कर लेते हैं। देखिए इधर मैंने एक फ्लैट वाला पैन पे कोविराजी का जो लेयर होता है वो बनाने के लिए फ्रेश ऑयल ले लिया एकदम, और इधर मैंने गर्मा गर्म कटलेट भी बना लिया। देखिए गर्मा गर्म कटलेट बन के तैयार है। अब हमें क्या करना होगा, पहले हमें एक कटलेट को इसके अंदर डालना होगा ऐसे। अब हमें एकदम फ्लेम को कम कर देना है, ऑयल गर्म हो गया है, अब हमें फ्लेम को एकदम कम कर देना है। अब हमें ऐसे ऐसे करके लेयरिंग को तैयार करना है। पहले जैसे मेरा पैन थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैंने लेयरिंग थोड़ा थोड़ा करके तैयार कर रही हूँ, ज़्यादा बड़ा पैन होता तो तैयार करने में थोड़ा सा आसानी होता। ये जो जाली है ना, इसको एकदम अच्छे से तैयार करना होगा, एकदम भी गैप ना रहे, अगर गैप रह जाए तो एकदम भी अच्छे नहीं बनेगा। देखिए ऐसे मैंने इसको बना दिया, इसका फ्लेम भी एकदम कम है। अब हमें क्या करना होगा, इसको ऐसे इसके ऊपर कोटिंग करना होगा, ऐसे ऐसे इसको बहुत ही ध्यान से करना होगा। ये थोड़ा सा करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है पहले पहले। देखिए इसको ऐसे ले लेना है और इसके बाद ऐसे इसको इसके अंदर कोट करना है, एकदम फट जा रहा है। देखिए मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया, फिर से मैं इसके अंदर कोटिंग डालूँगी। देखिए ऐसे ऐसे मैं इसके अंदर कोटिंग डालूँगी, देखिए ऐसे हाथ से लेकर मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। अब चाहे तो थोड़ा सा स्टिकी वाला जो डंडा मिलता है ना, जिसमें गैप रहता है बहुत, वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए सारे को मैंने डाल दिया, अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से पहले पका लेना है, उसके बाद इसके अंदर इसको कोट करना है। देखिए इसमें थोड़ा सा गैप है, इसको भी बंद कर देते हैं। देखिए अब हमें इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। देखिए कोविराजी को हैंडल करने के लिए दोनों स्पैचुला की ज़रूरत पड़ती है, इधर मैंने दोनों स्पैचुला ले लिया, उसके बाद इसको ऐसे ढक दिया, उसके बाद ऐसे मैंने इसको इसके ऊपर डाल दिया और इसको पहले मैं मिडिल में लेके आऊँगी, उसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। देखिए फ्राई हो गया, अब मैं इसको उतार लूँगी। देखिए हमारा एक कोविराजी बन गया, अब दूसरे कोविराजी कैसे बनाते हैं वो दिखाते हैं। देखिए मैंने पैन को गर्म कर लिया, अब हमें ऐसा ऐसा करके इसके अंदर एक जाल तैयार करना है। देखिए
ऐसे ऐसे करना है, बहुत ही टाइम लगता है, एक बार में नहीं होता है, मेरा भी एक बार में नहीं हुआ था, शायद और भी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ता है। देखिए इसको थोड़ा सा गैप को कवर करना होगा। देखिए पहले इसको अच्छे से फ्राई करना होगा। अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर एक कटलेट को रखूँगी, इसके अंदर एक कटलेट को हमें रखना है। उसके बाद दोनों साइड से इसको कोट करना है। अब देखना है कौन सा साइड से आप कर सकते हैं। देखिए एक साइड का कर दिया मैंने, इसके बाद इसका घुमा के इसका पोर्शन भी ऊपर ले लिया, उसके बाद इसका पोर्शन भी ऊपर ले लिया, ये वाला पोर्शन भी ऊपर ले लिया। अब इससे और थोड़ा सा अच्छा लेयरिंग बनाने के लिए इधर मैंने और थोड़ा सा ले लिया। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो जल्दी जल्दी में बन जाएगा। देखिए इसको ऐसे ऐसे लेयरिंग करना होगा। जितना बड़ा पैन हो उतना करने में आसानी होता है, जितना छोटा पैन हो उतना करने में प्रॉब्लम होता है। देखिए इधर मैंने ऐसे ही बना दिया। देखिए इसको पहले उबाल लेने दे, एक उबाल आने के बाद हम इसको फिर से कोट करेंगे। अभी तक हुआ नहीं है, थोड़ा सा इसमें जाल लाने दे। देखिए ऑलमोस्ट ये जाल बन गया है। अब हमें फिर से इसके ऊपर डालना होगा, इसको ऐसे इसके ऊपर डालना होगा। ये बहुत ही झूरी टाइप का बनता है, जितना आप एक डाल सकते हैं आप डाल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि इसके ऊपर एक डाल जाए या ना डाला जाए तो नहीं बनेगा। इसको और थोड़ा सा एक दो मिनट तक फ्राई करना है, उसके बाद हम इसको उठा लेंगे। देखिए ये हमारे ये अच्छे से बन गया है। अब मैं इसको दोनों स्पैचुला के मदद से उठा लूँगी, जैसे देखिए ऐसे हमने इसको उठा लिया। अब इसको मैं प्लेट कर लूँगी, ठीक है। देखिए इधर हमारा एक कबीराजी एकदम बन के तैयार है। आप देख सकते हैं अंदर से कबीराजी दिख रहा है और उसके साथ साथ एक का लेयरिंग भी कितनी अच्छे से हुआ है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से एक का लेयरिंग हुआ है। और इधर एक कबीराजी भी देख सकते हैं एकदम एक का लेयरिंग से एकदम ढक गया है, बहुत ही क्रिस्पी है खाने में। जैसे मैंने एक की बैटर के अंदर थोड़ा सा मैदा थोड़ा सा ग्रीन चिली का पेस्ट डाला था, बहुत ही क्रिस्पी है खाने में। अगर घर पे गेस्ट आ जाए और आपके पास ना चिकन रहे ना मटन रहे या ना फिश रहे, तो आप आराम से घर पे जो एक सबको रहता है तो एक से एक कबीराजी बना के गेस्ट को खुश कर सकते हैं, हस्बैंड को अगर खुश कर सकते हैं, सास ससुर को खुश कर सकते हैं, मम्मी पापा को खुश कर सकते हैं, उसके साथ साथ खुद को और बच्चे को भी खुश कर सकते हैं। तो मेरा एक रेसिपी एकदम एंड तक देखिएगा, मैं बहुत मेहनत करती हूँ ये रेसिपी बनाने के लिए और मेरी ये रेसिपी के लिए बहुत सारे एक्सपेंस की भी ज़रूरत है। जैसे लॉकडाउन चल रहा है और एज अ ब्यूटिशियन एंड ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और इसके साथ साथ एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, पर अभी मेरा सारा इनकम बंद हो चुका है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। अगर आप लोग चाहे तो आप थोड़ा मुझे कुछ मदद कर सकते हैं। मैं हमेशा मेरा रेसिपी के अंदर मेरा पेटीएम का जो आईडी है वो डाल देती हूँ और मेरा स्कैन कोड भी डाल देती हूँ यूपीआई का। अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं मेरा ये गर्मा गर्म रेसिपी आप लोगों को सामने लाने के लिए, तो आप हेल्प कर सकते हैं, कोई भी हेल्प मेरे लिए ग्रांटेड होगा। और मेरा रेसिपी पूरा देखिएगा, आप लोग रेसिपी पूरा देखते ही नहीं, मैं इतना मेहनत करती हूँ फिर भी, प्लीज़ 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 मेरा रेसिपी एंड तक देखिएगा, लाइक डालिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और रेसिपी दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं लौट के आऊँगी दूसरा एक ऐसा ही खट्टा अच्छा मीठा कोई भी रेसिपी के साथ, आपको खुश करना चाहूँगी। लौट के आऊँगी दूसरा एक रेसिपी के साथ, सब लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, बाय टाटा।